Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. I am Raheel Ahmad and you are watching me on online.99. Students, today we will talk about a very important topic, that is the Chatelier principle. First year chemistry, the chemical equilibrium chapter, उसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपने जितने भी टॉपिक इससे पहले पढ़े हुए हैं सिवाय एक टॉपिक के रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के, बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो टोटल इस चैप्टर में दो नए टॉपिक आते हैं, एक ये नया टॉपिक है और एक रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ये दो टॉपिक हैं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स में से भी ये जो टॉपिक है this is quite diverse, very much important application इस टॉपिक की हैं। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। असल में एक डाइवर्स टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, उससे पहले आप एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बात हमने पहले क्लियर करनी है, फिर हमें इस टॉपिक की समझ आएगी। ठीक है, आपने इससे पहले कुछ एक लेक्चर्स के अंदर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पे हमने बात की कि इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव की, लॉ ऑफ मास एक्शन पे बात की थी। ठीक है, उन सारी डिटेल्स में हमें इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव किया, वो हमें क्या बताता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी उनकी कितनी होगी, रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट होगी, प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट होगी, ये बात हमें कहाँ से मिली थी, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ठीक है, लेकिन याद रखें, जब भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो, तो इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पर एस्टैब्लिश होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको जरा देखिए, पॉइंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, a point in a reversible reaction where equilibrium establishes, एक reversible reaction में वो point जहां पर reactant और product के बीच equilibrium establish हो, उसको हम क्या कहते हैं, position of equilibrium। और ले Chatelier principle बात ही position of equilibrium से करता है। ठीक है, अब याद रखें कि केमिस्ट या इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट का मेन काम क्या होता है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, उनकी कोशिश ही होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन की जाए। लेकिन हमने एक बात पढ़ी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, उनमें रिएक्टेंट सारे का सारा प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं लेकिन एक खास एक्सटेंट तक रिएक्शन के प्रोसीड होने के बाद प्रोडक्ट दोबारा से वापस आना शुरू हो जाते हैं, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, दैट्स व्हाई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन स्टिल यूजफुल प्रोडक्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए साइंटिस्ट ऐसे वेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले। ठीक है, साइंटिस्ट रिएक्शंस के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स को, डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं ताकि उन्हें ये पता चले कि किन फैक्टर्स को चेंज करके, फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करके हम किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो इसी सिलसिले में ये साइंटिस्ट है ली Chatelier। ठीक है, ये है ली Chatelier's प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली Chatelier ने फॉर द फर्स्ट टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी किया, रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करके उसने इफेक्ट ऑफ दोज चेंजेस स्टडी करके उस सारी ऑब्जर्वेशन को एक प्रिंसिपल की फॉर्म में दी,
जिस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल सी बात ये कहता है कि जब भी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, उस रिएक्शन पे आप एक्सटर्नल फैक्टर में से किसी भी फैक्टर को जब चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन को खुद ही एडजस्ट करेगा, और ऐसे वे में एडजस्ट करेगा कि जो उस चेंज से इफेक्ट पड़ा है वो इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या हम बनाएंगे, इफ अ सिस्टम, अब सिस्टम से मुराद हमारा रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच इक्विलिब्रियम है, तो हम ये कहते हैं कि इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, जब उसमें क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब ये कि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, इंपैक्ट पड़ा है, सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बाय चेंज इन टेम्परेचर, एक्सटर्नल फैक्टर है, क्या आप टेम्परेचर चेंज ला के स्ट्रेस ला रहे हैं, प्रेशर चेंज करके स्ट्रेस ला रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, आर कैटलिस्ट, इन एक्सटर्नल फैक्टर में से जब भी किसी फैक्टर को चेंज किया जाएगा तो क्या है, द सिस्टम एडजस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन को सिस्टम एडजस्ट करेगा, खुद ब खुद एडजस्ट करेगा, कैसे, इन such a way where stress get minimized, ये total इस principle की statement बनती है। जाहिरन आपको statement थोड़ी lengthy नजर आ रही है, मुश्किल नजर आ रही होगी, लेकिन एक simple सी बात यहाँ पे करता है कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम पे आप एक्सटर्नल फैक्टर को चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन को खुद एडजस्ट करेगा, और ऐसे वे में एडजस्ट करेगा कि वो इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रिंसिपल। अब हम इस प्रिंसिपल को डिटेल में स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यहाँ पर नंबर वन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पहला इफेक्ट, और ये किस तरह से इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा उस पर हम बात करेंगे। देखिए हम एक रिएक्शन लेते हैं जनरल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये गैसियस फॉर्म में है, इनके बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन और NO, 2NO हमारे पास बन गया, ये एक रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे इस रिएक्शन में, या नाइट्रोजन ऑक्साइड इस रिएक्शन में बन रहा है, ठीक है। अब हम इस पे ये बात करेंगे कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा किया जाए या कम किया जाए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज्यादा किया जाए या कम किया जाए, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला देखें, बिल्कुल सिंपल है कि ये इसका पहला इफेक्ट है, अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को ज्यादा करें, मतलब इनकी अमाउंट को बढ़ाएं, तो क्या होगा, आपको पता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे अमाउंट ज्यादा हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर बढ़ रहा है तो पोजिशन किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा किया जाए, इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट कि अगर इनकी कंसंट्रेशन को कम किया जाए, यानी कि रिएक्टेंट को आप कम करें, तो क्या होगा, अगेन वही बात कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जिस साइड पे
अमाउंट ज्यादा होगी उसके दूसरी तरफ रिएक्शन होगा. अब देखो अगर हम इसकी अमाउंट को कम कर रहे हैं तो ये रिएक्शन इधर आएगा. समझ आ रही ना बात, कि अगर हम इनको कम कर रहे हैं तो इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी. इसकी अमाउंट के ज्यादा होने का मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन, और पोजिशन किधर होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी. ये दो बातें आपने ध्यान में रख लेनी है. ठीक है, अब आते हैं इस पर. पहली बात कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, अब आपको बात क्लियर हो गई है कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हम इसको कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो ये टोटल बात है. ली शैटलियर प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर आप इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन को स्टडी करोगे तो इस तरह से इंफॉर्मेशन हमें देगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग, आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसंट्रेशन. दूसरा अब हम आते हैं नंबर टू, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर आर चेंज इन प्रेशर. चेंज इन प्रेशर की हम यहां पर बात करेंगे. देखिए पहली चीज याद रखनी है कि अगर जो हमने सिस्टम लिया हुआ है वो लिक्विड या सॉलिड है, ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम पे इस प्रेशर को कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता. इस बात को ध्यान में रखना है. तो चेंज इन प्रेशर की बात हम कहाँ पर करेंगे, जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो. तो ये पहली चीज आपने ध्यान में रख लेनी है. ठीक है, तो इसकी बात हम कहाँ पर करेंगे, जब क्या हो, गैसियस सिस्टम हो. एक बात. दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अब यहां पर असल इसका इफेक्ट क्या होगा. देखिए सिंपल बात कि किसी भी रिएक्शन पे अगर हम प्रेशर ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन अपने आप को उस तरफ शिफ्ट करेगा जिधर प्रेशर कम हो. देखें इस बात को जरा ध्यान में रखना है कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर प्रेशर क्या हो, इंक्रीज हो, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर प्रेशर मिनिमाइज, जहां पर प्रेशर क्या हो, मिनिमाइज हो रहा हो. ये पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है. ठीक है, कि अगर हम किसी रिएक्शन पे प्रेशर ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन ने किधर जाना है, उस तरफ जाना है जिधर प्रेशर क्या हो, कम हो, मिनिमम हो, कम हो. ठीक है, आप देखना कि प्रेशर किधर कम होता है, इस बात को हमने यहां पर देखना है. क्या हमें यह तो पता होगा कि प्रेशर इफेक्ट किस तरफ होता है, किस वे में इफेक्ट होता है. ठीक है, तो अब आते हैं इस पर. देखें यहां हमने बात क्लियर कर ली कि रिएक्शन किधर जाएगा, जिस तरफ प्रेशर कम हो. अब प्रेशर किधर कम होगा, प्रेशर उस तरफ कम होगा जिधर वॉल्यूम कम हो, और वॉल्यूम उस तरफ कम होता है जिधर नंबर ऑफ मोल कम हो. तो आपने याद रखना है प्रेशर डिक्रीजेस इन डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो. देखें यही रिएक्शन हम यहां पर लेते हैं या कोई और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं. ये आ गया. ठीक है, ये सारे गैस की स्टेट में, इनकी स्टेट यहां पर मेंशन कर दें. ये रिएक्शन है. ठीक है, अब यहां पे हम ये कहते हैं कि अगर इस रिएक्शन पे प्रेशर का इफेक्ट स्टडी किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़े. देखिए हम कहते हैं इस रिएक्शन पे हम प्रेशर इंक्रीज करें. ये साइड होती है रिएक्टेंट वाली और ये साइड होती है प्रोडक्ट वाली. यहां तक क्लियर बात. अब हम ये कहते हैं कि अगर हम इस पर प्रेशर इंक्रीज करें, याद रखो यहां पर कितने, 1 इसके मोल है और 3 इसके मोल है, टोटल कितने मोल हो गए, 4. रिएक्टेंट वाली साइड पर नेट मोल कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट वाली साइड पर नेट मोल कितने हैं, 2.
तो नंबर ऑफ मोल किधर कम हो रहे हैं, इधर कम हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात क्लियर होगी कि अगर आप इस रिएक्शन पर प्रेशर ज्यादा करोगे रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इसके अपोजिट हो जाएगा कि अगर प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर ज्यादा हो, और प्रेशर किधर ज्यादा होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रख लेनी है कि अगर इस रिएक्शन पर प्रेशर ज्यादा किया जाए तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम किया जाए इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वो चीज थी कि जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल में चेंज आ रही है। ठीक हो गया, कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, तो फिर हमें ये इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन में लिखता हूं, जैसे ये रिएक्शन है, इस पे इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम इस पे प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें रिएक्शन ने किधर जाना है, ये आपने मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। ये आपकी होम असाइनमेंट होगी कि आपने खुद से डिसाइड करना है, खुद से देखना है कि इस रिएक्शन पर अगर हम प्रेशर ज्यादा करेंगे रिएक्शन ने किधर जाना है, अगर प्रेशर कम करें तो रिएक्शन ने किधर जाना है, ये आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पाते हैं, दैट इज टेम्परेचर। नंबर थ्री, तीसरा फैक्टर था इफेक्ट इन चेंज ऑफ या इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, एक रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज में सॉरी जब टेम्परेचर चेंज लाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। याद रखना हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ये आपको क्लियर है कि एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जहां पर रिएक्शन के दौरान हीट रिएक्शन से बाहर आए, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जब हीट आएगी तो उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। इसको हम क्या कहते हैं, हीट इवॉल्व। हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, और याद रखना है कि इसके लिए साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन। ये बात इंपॉर्टेंट आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, और इस पे क्या है, हीट एब्जॉर्ब, और साइन क्या होगा, पॉजिटिव। यहां तक आपने बात को ज़हन में रखना है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो जो हीट लिखी होगी उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक होगा तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। साइन क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव, इसको हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे जब हम थर्मोडायनामिक पेन की इस पे बात करेंगे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी वाले लेक्चर के अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सोथर्मिक के रिएक्शन में जब हीट इवॉल्व हो रही हो तो क्या होगा, नेगेटिव साइन, और जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर, अब देखें आगे बात करते हैं कि एक रिएक्शन पर जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रिएक्शन ने उस तरफ जाना है, इक्विलिब्रियम में उस तरफ जाना है जिधर टेम्परेचर क्या हो, कम हो, और टेम्परेचर किधर कम होगा, जिधर टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो हमारे पास क्या बना, ये याद रखना है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। क्यों, कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रिएक्शन क्या चाहेगा, टेम्परेचर कम करे, और टेम्परेचर किधर कम होगा, जिधर जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, इसी के साथ ही हो जाएगा कि इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन
एक्सोथर्मिक डायरेक्शन. अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? एंडोथर्मिक. और अगर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा. अब देखिए, ये हम एक रिएक्शन लेते हैं, वही रिएक्शन है N2 + O2 gives 2NO. इसके लिए जो डेल एच या हीट चेंज या मूव है वो क्या है? -40.5 kJ/mol. ये इस रिएक्शन के लिए हमें इसकी हीट बता दी गई है. अब यहां पे दो चीजें याद रखनी है. एक तो ये साइन आपने ध्यान में रखना है कि क्या दिस इज नेगेटिव साइन. ये पहले हमें क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन कौन सा है, ये हीट किसके लिए है? एक्सोथर्मिक के लिए. अब ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये किस रिएक्शन के लिए हीट है? तो याद रखना है कि ये जो हीट आपको दी होगी इस रिएक्शन के साथ वो किसके लिए होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो रिएक्शन में से जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कौन सा है? एक्सोथर्मिक. और जो बैकवर्ड है वो कौन सा है? एंडोथर्मिक. ये जो बात हमने कही थी कि एक रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल रिएक्शन में दो डायरेक्शन है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड. और अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगी? एक्सोथर्मिक. फॉरवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगी? एंडोथर्मिक. इस बात को आपने ध्यान में रखना है. ठीक हो गया. तो अब देखिए, इस रिएक्शन के लिए हीट हमें कितनी दी हुई है? -40.5 kJ/mol. तो इसका मतलब है इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक. अब देखिए, अगर हम इस रिएक्शन पर टेम्परेचर ज्यादा करें तो इक्विलिब्रियम ने किधर शिफ्ट होना है? बैकवर्ड. क्यों? कि जब ये बैकवर्ड आएगा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी हीट को बैलेंस कर लेगा. ठीक हो गया. तो अगर आपको कोई इस रिएक्शन पर पूछे कि अगर हम हीट इंक्रीज करें तो रिएक्शन ने किधर जाना है, टेम्परेचर इंक्रीज करें, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो आप ये कहोगे बैकवर्ड. और अगर कम करें तो ये रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा. इट्स ओके नाउ. तो ये टोटल ली शैटलियर प्रिंसिपल का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे उन पर हमने बात की. ठीक है. तो आई होप हर एक बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी. एक दो क्वेश्चन जो मैं आपके लिए यहाँ पर रखूंगा उनको आपने सॉल्व करके हमारे साथ शेयर करना है कमेंट बॉक्स में. एक तो पहले मैंने आपको दिया था एक रिएक्शन, उसको भी आपने सॉल्व करके देना है. ठीक है. और एक और, सिर्फ एक और दे देता, एक पहले हो गया और एक यहाँ पर हो गया. ठीक है. SO2 SO3, ये नेक्स्ट रिएक्शन है. इस रिएक्शन पे आपने ये करना है कि हर एक फैक्टर को एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर की बात करें क्या इफेक्ट पड़ेगा, और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा. और हमें ये बताना है कि हम इन फैक्टर्स को क्या क्या मेंटेन करें कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम SO3 मिले. ठीक है. इसी तरह ये रिएक्शन, इसको भी आपने इसी तरह से डिस्कस करना है. ठीक है. इसको एक्सप्लेन करना है कि इस पर टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और हम उनको किन कंडीशंस में रखें, किस तरह से रखें कि हमें ये अमोनिया मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले. तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.